मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों मैं आज आपके सामने क्लास 12 की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, जो हमारा पिछला टॉपिक था दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो अच्छे से समझा, अच्छे से किया, और आई थिंक अगर आपने क्वेश्चन लगाया होगा तो आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है बेटा, इसके आगे जब हम चलते हैं तो जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपके एनसीईआरटी में ऑन द पेज नंबर 51 दैट इज फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? ठीक है, तो आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत आपसे डील कर लूं कि बेटा अगर आप मेरे साथ क्लासेस लगा रहे हैं तो काइंडली नोट्स बनाते रहें, और अच्छे से जो जो पॉइंट मैं इम्पॉर्टेंट लगाता हूँ वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता हूँ। ठीक है जी, सॉरी उन सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है, केवल उन्हीं को नहीं, कई लोग सोचे बस उन्हीं को करना, नहीं नहीं सारे पॉइंट्स, लेकिन जहां पे मैं इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ उसको डेफिनेटली किसी डार्क सर्कल बना लीजिए या कुछ ऐसा करिए कि जब आप रिवीजन करें तो फटाफट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में आते रहे। ठीक है जी, आइए बेहतरीन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? तो बेटा सिंपल सा एक डेफिनेशन आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा जब हम भी पढ़ते थे, तो क्या बोला था, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। तो मेल में गैमेट क्या बनता है, दैट इज द स्पर्म विद द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम और एग, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जहां पे एग और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, इसी सिंपल से प्रोसेस को बोला जाता है क्या बेटा जी, फर्टिलाइजेशन, या सिंगैमी भी अलग अलग बुक में इसको नाम दिया जाता है। देख ली, ये सिंपल सा एक प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए कोई एक मैन है एक कोई वुमेन है। ठीक है, मैन में मैन ने अपना गैमेटोजेनेसिस किया, वुमेन के अंदर में अलग गैमेटोजेनेसिस हुआ। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ऑब्वियसली मेल में कौन सा गैमेट बनेगा, स्पर्म, फीमेल में कौन सा गैमेट बनेगा, ऑब्वियसली फीमेल गैमेट। सो मेल ने अपना गैमेट प्रोड्यूस किया स्पर्म, वुमेन ने अपना गैमेट प्रोड्यूस किया ओवम। लेकिन दोनों जो होते हैं एन और एन, तो याद रखिएगा हमेशा गैमेट्स जो होते हैं बेटा जी वो होते हैं हैप्लॉइड। क्या होंगे बेटा जी, हैप्लॉइड। सो द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होगा इन आवर, हम अपना पढ़ रहे हैं ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम यानी कि 23 नंबर में कितने होंगे, 23। सो यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होगा बेटा, 23 क्रोमोजोम होंगे। और स्पर्म के पास में भी कितने होंगे बेटा जी, 23 क्रोमोजोम। दोनों आपस में कंबाइन होंगे, देन इट विल फॉर्म, एन इधर से आया एन इधर से आया, क्या बन गया, 2n, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट। और द प्रोसेस थ्रू विच दे आर फ्यूजिंग विथ ईच अदर कैन बी कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन एंड सिंगैमी। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी भी बोलते हैं, जहां पे आपका डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। अब यहां पे डिप्लॉइड जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछे तो कितना होगा बेटा जी, 46 क्रोमोजोम होगा, या इसी को 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं, 23 इधर से 23 इधर से दोनों मिलके 46 क्रोमोजोम बना लेंगे। तो ये भी पहले पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ओवम एंड हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन स्पर्म। याद रखिएगा 23 स्पर्म में, 23 आपके ओवम में, क्योंकि दोनों हैप्लॉइड है। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट के केस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 होता है, नोट डाउन करेंगे। सो एक सिंपल सा प्रोसेस है जहां पे एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एक फीमेल गैमेट के साथ में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में मैं कुछ स्ट्रक्चर देखिए, चूंकि हमने ये डेफिनेशन पढ़ रखा है, लेकिन बेटा इतना आसानी से फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है, तो वो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। पहले इसको नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है।
चलिए बेटा जी, थोड़ा अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ा था, ठीक है जी, तो आइए मेरे साथ रिवाइज कर लेते हैं। ओके जी, इसको हमने क्या बोला था, क्या बोला था बताइए, इसको हमने बोला था सर्विक्स, फिर इसको हमने क्या बोला था बेटा जी, बताइए बताइए बोलिए, वजाइना, ओके जी, ये ऊपर जो है यूट्रस दिख रहा होगा, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं यूट्रस, फिर एक एक ही साइड बनाता हूं, दोनों साइड वही स्ट्रक्चर होगा, पतली सी लेयर होगी दैट इज नोन एज इस्थमस, जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, जो डिवाइडेड है थ्री भाग में यानी कि तीन पार्ट्स में, उसके बाद एक एनलार्ज पोर्शन फूला हुआ और एक ऐसा इट कंटेंस फिम्ब्रेई। अगर आपको याद होगा तो फेलोपियन ट्यूब यानी ये जो ओविडक्ट भी इसको बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब डिवाइडेड था तीन रीजन में, जो रीजन यूट्रस के एकदम पास में है उसको हम इस्थमस बोलते थे, थोड़ा सा दूर जो बल्ज्ड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एम्पुला, ओके, एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट सेक्शन इज इनफंडिबुलम, दिस इज इनफंडिबुलम, क्लियर है जी। तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपका फेलोपियन ट्यूब है इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इस्थमिस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा जी, फेलोपियन ट्यूब, क्लियर है जी। यहां पे पास में मैं जरा बना देता हूं ओवरी, दिस इज ओवरी, क्लियर है जी। सुनिएगा बेटा, देखिए सबसे पहले ये सारे प्रोसेसेस हमने कर लिए हैं, ओवरी के अंदर में क्या होता है बेटा, फॉलिकल्स का जर्मिनेशन होता है यानी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, याद है, तो मैं वही बना रहा हूं, ओवरी के अंदर में यहां पर मान लीजिए यह है मैच्योर फॉलिकल, दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल, क्लियर है जी। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में अगर मैं बोलूं तो बेटा ओवम भी रहता है, ओवम उसको हम बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में वो ओवम नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा वो उसको हमने पढ़ रखा है कि अभी अब ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन उसका अरेस्ट है, यानी वो पूरी तरह से ओवम नहीं कहा जा सकता, तो एक्चुअली में उसको कहते क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, इसके जस्ट अंदर में मौजूद होगा, थोड़ा अलग कलर से बना लेते हैं, इट कंटेंस सेकेंडरी ओसाइट। तो बेटा जी होता क्या है सुनिएगा, जनरली जब किसी लड़की की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम बीच में यानी कि मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास में, देखिए जनरली ओव्यूलेशन का कोई डेट फिक्स नहीं होता है, सपोज करो, क्यों, क्योंकि बेटा मेंस्ट्रुएशन भी किसी किसी में 28 दिन में होता है, किसी किसी में 27 दिन में हो जाता है, किसी में 32 डेज में होता है, तो उसका मैंने तरीका बता रखा है कि आपको क्या करना है, ल्यूटियल फेज जो होती है वो स्टेशनरी फेज होती है, 14 दिन की ल्यूटियल फेज है, उसमें से जितने दिन का उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा जैसे 32 डेज का है तो 14 दिन माइनस कर दीजिए तो एक्चुअली उसका ओव्यूलेशन किस दिन हुआ होगा, 18th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हुआ होगा, क्लियर है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है बेटा जी, जब ओवरी के अंदर में ये जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम लोग मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल इज ऑल्सो नोन एज मैच्योर फॉलिकल भी इसको कहते हैं,
ध्यान से सुनिएगा, ग्राफियन फॉलिकल का दूसरा नाम है मैच्योर फॉलिकल। बेटा जी सॉरी, जब ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर में जो सेकेंडरी ओसाइट रखा हुआ है वो व्याकुल हो जाता है। अब वो इससे बाहर निकलना चाहता है, तो बेटा होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, एकदम मिड में, सपोज करिए किसी का 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मिड वाला समय कौन हुआ, 14th डे पे। ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा एक चीज होता है, एक चीज क्या, एक इवेंट होता है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या कर जाएगा बेटा जी, रप्चर कर जाएगा, और ये जो सेकेंडरी ओसाइट उसके अंदर में था ये बाहर आ जाएगा, और सेकेंडरी ओसाइट इट विल बी टेकन बाय द दिस पोर्शन दैट इज द फिंबर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो मौजूद है वो इसको रिसीव करेगा, फिम्ब्रेई, ठीक है जी, फिम्ब्रेई इसको रिसीव करेगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, मान लो यहाँ ओवरी है, यहां से एक निकला, ये आजा बेटा आजा आजा, ऐसे करके वो क्या करेगी, सेकेंडरी ओसाइट को कहां ले लेगी बेटा, फेलोपियन ट्यूब में ले लेगी। तो बेटा जब ये निकलता है, आपका ओवम निकलता है या सेकेंडरी ओसाइट निकलता है, जैसे जो निकल रहा है ये है क्या, सेकेंडरी ओसाइट, तो क्या केवल इसी तरह से निकलता है क्या, केवल एक सेकेंडरी ओसाइट नहीं बेटा जी, इसका ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब सिंपल सा बात हुआ, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच ओवम या सेकेंडरी ओसाइट, अगर हम सीधा बोले, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच सेकेंडरी ओसाइट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से ही ना, ओवरी से बाहर निकलेगा ना भाई, ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर में, फ्रॉम द ओवरी एट द मिड ऑफ द साइकिल, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। जरा इसको लिखिएगा और एकदम मिड ऑफ द साइकिल होगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में होता है ये जनरली, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच, इसको ओवम अभी नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, थ्रू विच सेकेंडरी ओसाइट, जनरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसको ओवम, सेकेंडरी ओसाइट और ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, ओव्यूलेशन, यानी जनरली जो सेकेंडरी ओसाइट निकला है बेटा जी कहां से, ओवरी से, तो ओवरी से ओवम के सिक्रेशन को बोला गया ओव्यूलेशन। जनरली ये कब होगा, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है ये इवेंट। तो बेटा ये जो निकलता है कुछ ऐसा ही निकल जाता है क्या, आपका बस केवल सेकेंडरी ओसाइट रहता है, बाहर में कुछ कुछ नहीं रहता क्या। देखिए बेटा जी ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता है, ओव्यूलेशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। उससे पहले एक छोटा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये वायबल रहता है कितने दिन के लिए, वायबल यानी कि अंदर जाएगा यहां पे, तो ये एक्टिव रहता है, एक्टिव या वायबल होता है फॉर 24 आवर्स के लिए, कितने लिए बेटा, 24 घंटे के लिए। ये क्या होगा, ओवम जो होता है वायबल होता है, एक्टिव होता है, अगर 24 घंटे के बीच में इधर से स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, वरना बिल्कुल भी फर्टिलाइजेशन होगा, उस 24 घंटे के बाद आप कभी भी कोइटस करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि वो इनएक्टिव हो जाएगा। वो एक्टिव कितने समय के लिए होता है, केवल 24 आवर्स के लिए होता है। तो एक्चुअली में ये जो सेकेंडरी ओसाइट निकला है ये क्या एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकल जाता है क्या सेकेंडरी, नहीं ऐसा नहीं होता है। आइए देखते हैं, अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं तो आपको याद होगा। जरा मैं ग्राफियन फॉलिकल जो यहाँ दे रखा है इसको मैं क्या करता हूँ बेटा,
इनलार्ज करके बनाता हूं, मैं यहां देखता हूं इनलार्ज व्यू, इनलार्ज व्यू ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है जी? चलिए, तो ये तो ध्यान रखा, ग्राफियन फॉलिकल किसके अंदर में है? ओवरी के अंदर में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जरा ध्यान रखिएगा, ग्राफियन फॉलिकल में जो सबसे अंदर वाला भाग होता है वो कहलाता है सेकेंडरी ऊसाइट। ये जो सेकेंडरी ऊसाइट होता है इसकी सराउंडिंग में, ध्यान से सुनिएगा, इसकी सराउंडिंग में एक नॉन सेलुलर लेयर डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड एज जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा, जो कि बेसिकली क्या होती है बेटा, नॉन सेलुलर लेयर होती है। कैसी होती है? नॉन सेलुलर लेयर होती है, यानी ये सेल से नहीं बनी हुई है, नॉन सेलुलर लेयर है। बेसिकली बनी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। किसी से बनी होगी? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होगी। ध्यान से सुनिएगा, नाउ इसके बाहर में क्या होती है, एक जनरली एक और लेयर होती है, लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल, जो कि इलोंगेटेड, अगर बोलेंगे थोड़ी लंबी लंबी, इलोंगेटेड लेयर होती है ग्रेन्यूलोसा सेल की, अ लेयर ऑफ इलोंगेटेड ग्रेन्यूलोसा सेल, कुछ इस तरह की। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी कोरोना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, कोरोना रेडिएटा, जो कि बेटा जी क्या होती है, अ लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल होती है, उसका इलोंगेटेड टाइप होता है। सो ये क्या है बेटा जी, लेयर ऑफ इलोंगेटेड ग्रेन्यूलोसा सेल। ओके, क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें किसके सराउंडिंग में, ओवम, सेकेंडरी ऊसाइट के चारों तरफ एक नॉन सेलुलर लेयर है, दैट इज नोन एज द जोना पेलिसिडा। उसके बाहर में एक लेयर है इलोंगेटेड सेल्स की, ग्रेनुलोसा सेल्स की, दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। इसके बाहर में क्या होगा, बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल होंगी, तो जब आप देखेंगे यहां पे आपका बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है। ये जो गैप है इसको हमने बोला था क्या बेटा जी, बताइए, एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये कैविटी है, दैट इज नोन एज एंट्रम, क्या बोलेंगे बेटा जी, एंट्रम। और जो बाहर वाली यहां पे लेयर होंगी, दो और लेयर थी अगर आपको याद हो, थीका लेयर्स थी, जो अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे, थीका इंटरना, और जो इसके बाहर होंगी That is called as theca externa। तो बेटा जी जो ये graphene follicle यहां इतना सिंपल से बना रखा था, ये graphene follicle एक्चुअली में ऐसा रहता है जिसके अंदर में यहां पे सेंटर में क्या होगा, सेकेंडरी साइड, इट विल बी सराउंडेड बाई अ नॉन सेलुलर लेयर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो ना पेलिसिडा, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना है, इसके बाहर में एक लेयर होगी ग्रेनुलोसा सेल की, इलोंगेटेड ग्रेनुलोसा सेल, जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। उसके बाहर में ये आपका और बाकी सारी ग्रेनुलोसा सेल हो गई। क्लियर है जी?
और इसके सराउंडिंग में क्या होंगी, थीका लेयर जो अंदर में होगी थीका इंटरनल, जो बाहर में होगी थीका एक्सटर्नल। ये जो कंप्लीट व्यू है, एनलार्ज व्यू है आपके ग्राफियन फॉलिकल का। तो बेटा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का बीच आता है, यानी कि बेसिकली एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ये क्या होगा, ये जो यहां पे ये मान लीजिए ग्राफियन फॉलिकल, यहां से क्या हो गया बेटा जी, यहां से क्या हो गया, रप्चर कर जाएगा। क्या कर गया, ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करेगा तो क्या क्या चीजें बाहर निकलेंगी, तो ध्यान रखिएगा, ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करेगा तो तीन चीजें यहां से निकलेंगी, सेकेंडरी ओसाइट, उसके बाहर वाली सराउंडिंग जोना पेलुसिडा, और उसके बाहर वाली सराउंडिंग दैट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, तो ये समझ में आया, जब ये रप्चर करेगा, जब ये ग्राफियन फॉलिकल यहां से रप्चर कर गया, मान लीजिए यहां पे ग्राफियन फॉलिकल, यहां थोड़ा मिटा देता हूं, यहां क्या हो गया, यहां आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गया। तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, क्या करेगा, रप्चर करेगा, आपको दिख रहा है, सॉरी थोड़ा मैं ऊपर बना लेता हूं उसको। जब ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, रप्चर करेगा, तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो बेटा जी ये तीनों चीजें बाहर निकलेंगी, सेकेंडरी ओसाइट, दूसरा जोना पेलुसिडा, और साथ साथ में कोरोना रेडिएटा। तो इसको मैं पूरा मिटा देता हूं क्योंकि आप ये पढ़ ही चुके हैं, फिर से इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो जब आफ्टर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर, आफ्टर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो मैं यहां बना लेता हूं, मान लीजिए ये है आपका ग्राफियन फॉलिकल, ये आपका है ग्राफियन फॉलिकल है, कौन सा बेटा, रप्चर वाला, रप्चर कर गया। तो जो बाहर में चीजें निकलेंगी वो होगा यहां पे, जो मान लीजिए रप्चर करके यहां पे चीज आई अंदर, ये उसके बाहर वाली लेयर और एक ये लेयर, इसको क्या बोला था, कोरोना रेडिएटा, ये आपका हो गया सेकेंडरी ओसाइट, और ये कौन सी लेयर हो गई, नॉन सेलुलर जोना पेल्यूसिडा, जो कि नॉन सेलुलर लेयर है। तो ये तीनों चीजें जैसे ही यहां पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगी, सेकेंडरी ओसाइट ही नहीं निकलेगा, सेकेंडरी ओसाइट के बाहर में जो क्या बेटा, जोना पेलिसुडा और साथ साथ में कोरोना रेडिएटा, ये तीनों लेयर यहां पे निकलेंगी। ओवरी से जब ये निकलेगा, तो इसको बना लूं, बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे बना देते हैं, देखिएगा। मान लीजिए ये आपकी ओवरी, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गया, GRAFFIN, GRAFFIN, ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया बेटा, रप्चर कर गया। तो जो यहां से चीज बाहर निकलेगी, यहां आएगी, तो वहां पे क्या क्या चीजें होंगी, अब यहां से आप समझ चुके हैं, पहले अंदर में क्या होगा बताइए जी, सेकेंडरी उसाइट, और रप्चर करके ये जो बाहर यहां निकल रहा है, तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगी आपका सेकेंडरी उसाइट बाहर निकलेगा, ये सिंपल से प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, क्या बोलेंगे बेटा जी, ओव्यूलेशन। बाहर में इसके जो लेयर होगी
दैट इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा, इसके बाहर में एक लेयर होगी जो कि ग्रेनुलोसा सेल से बनी होगी, जिसको क्या बोला है, कोरोना रेडिएटा। ठीक है जी, तो ये जब रिलीज होगा आपका सेकेंडरी ओसाइट तो इस फॉर्म में रिलीज होगा, ना कि केवल सेकेंडरी ओसाइट होगा, उसके साथ में ये दोनों लेयर भी निकल के अंदर में जाएंगी। नोट डाउन करिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए ये जो जाएगा तो ये जैसे ऊपर जाएगा फिम्ब्री है, ऐसे उंगलियों की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, आजा इसको बुलाएगा और इसको अंदर घुसा लेगा। तो बेटा ये जब अंदर जाएगा यहां पे, ये आपको समझ में आ रहा है, वही है। अब यहां से बेटा जी इसको जाना है कहां पे, एम्पुला, क्योंकि एम्पुला इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। एम्पुला के ऊपर ही, या एम्पुला जहां है आपका फेलोपियन ट्यूब का, ओविडक्ट का, ये लोकेशन है जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। अब पंगा क्रिएट हो गया कि जो सेकेंडरी ओसाइट आया है या ओवम जो आया है, जिसको एनसीईआरटी ओवम भी बोल रही है, ये बेटा जी है नॉन मोटाइल। कैसा है बेटा, नॉन मोटाइल। तो बेटा ये यहां से एम्पुला तक कैसे अपना सफर तय करेगा, तो बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ये जो एग आया है, एग जो है वो कैसा है बेटा, नॉन मोटाइल। तो भैया ये जो सेकेंडरी ओसाइट आया है यहां पे, जो जिसको ओवम बोल रही है, कैसा बेटा, नॉन मोटाइल। कैसा है, तो बड़ा पंगा क्रिएट हो गया भैया कि ये जो नॉन मोटाइल है और फर्टिलाइजेशन यहां होना है, यहां पे ये आ चुका है, चलिए फिम्ब्रे ने इसको घुसा दिया आपके अंदर में फेलोपियन ट्यूब में। भैया आप वहां बैठ के रो रही है, मैं मुझे किसी तरह से भेज दो, मुझे मेरे घर भेज दो। तो मेरे घर कहाँ भेज दो, मुझे एम्पुला के पास में भेज दो, प्लीज मुझे भेज दो, क्योंकि मेरा वहां साजन वेट कर रहे हैं। बेटा साजन वेट करेंगे, इसके पास ना पैर है, ना हाथी है, ना घोड़ा है, इसके ये तो नॉन मोटाइल है, तो कैसे जाएगी, कैसे, हाउ डिड दिस ओवम और सेकेंडरी ओसाइट रीचेस टू द एम्पुला पार्ट वेयर द बेसिक फर्टिलाइजेशन इज टेकन, कैसे जाएगी। तो देखिए बेटा जी यहां पे क्या होती है, जो ये आपकी ये जो सेल्स होती हैं, ये आपका जो फेलोपियन ट्यूब है, इसकी एपिथेलियल सेल जो होगी ये बनी होती है, फ्लैट कॉलिमिनर, ये बेसिकली जो होती है सिलिएटेड, यानी यहां पे कॉलिमिनर सेल्स होती हैं और उनके ऊपर लगी होती हैं छोटी छोटी सीलिया। क्या लगी होंगी बेटा जी, सीलिया। इसको जरा इनलार्ज करके बना देता हूं थोड़ा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए इसको जरा अभी मिटा लेते हैं, देखिए होगा क्या, यहां पे थोड़ा इसको और बड़ा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए, वैसे इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पे जो इसके दोनों साइड में होती है, यहां पे कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स होती है जिसके अंदर में मौजूद होता है सीलिया। इसके ऊपर लगे होते हैं बेटा जी क्या, सीलिया, इधर से भी होंगे, ठीक है जी, यहां भी हम बना सकते हैं, तो बेटा जी यहां पे यहां से लेके यहां तक मौजूद होती है आपकी सीलिया। ऐसे ही कुछ सेल्स अगर बात करेंगे, अगर फ्लैट लाइक सेल्स होती हैं, इस तरह की सेल्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस का मतलब फ्लैट सेल्स। अगर ट्यूब की तरह होंगी कुछ ऐसे होंगी,
बोलते हैं क्यूबॉइडल, और अगर थोड़ी लंबी होगी और इनका न्यूक्लियस एकदम बेस पे होता है, ऐसी सेल्स को जो लंबी वाली सेल्स है इनको हम लोग बोलते हैं कॉल्यूमिनर सेल्स। तो यही सारी एपिथेलियल लेयर होती है, तो जब आप देखेंगे तो ये थोड़ी लंबी लंबी होती है, दैट इज नोन एज कॉल्यूमिनर, और उनके ऊपर सीलिया है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो सेल्स पाई जाती है वो होती है सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। यहाँ पे जो ये एपिथेलियम लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर, ठीक है जी, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स या एपिथेलियल सेल, क्लियर है जी। तो ये पूरी जो आपका फेलोपियन ट्यूब है उसमें मौजूद होता है बेटा जी, ये आपके सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स मौजूद होती हैं। जैसे ही ये आपका सेकेंडरी ओसाइट अलोंग विथ जोना पेलुसिडा और साथ साथ में लगा हुआ है आपका कोरोना रेडिएटा अंदर आएगा, ये रोता रहेगा, इसको कहेंगी अरे बेटा टेंशन नहीं लो, मैं हूं बस, मतलब मैं बस हूं, मेरे ऊपर चढ़ जाओ और कहां चले जाओ, सजना से मिलने के लिए चली जाओ, कहां चली जाओ, एम्पुला वाले रीजन में चली जाओ। तो यहां पे मैंने बना दिया, ये हो गया सेकेंडरी ओसाइट, ये हो गया जोना पेलुसिडा, इसके बाहर में ये जो है कोरोना रेडिएटा। तो ये आपका सेकेंडरी ओसाइट धीरे धीरे मूव करके सीलिया के माध्यम से पहुंच गया यहां पे, जोना सेकेंडरी ओसाइट, जोना पेलुसिडा, और ये क्या है कोरोना रेडिएटा, दिख रहा है तीनों लेयर है, अंदर में सेकेंडरी ओसाइट, बाहर में जोना पेलुसिडा, और आपका क्या दिख रहा है कोरोना रेडिएटा। तो अब ये जो है एकदम इसी रूप में जो यहां है उसी रूप में आपके यहां पे चला गया। अब यहां पे बेटा जी क्या होगा, बेटा अभी हमने बोला था कि ये वायबल होता है, ये यहां पे बैठ के वेट कर रही है, क्या कर रही है, वेट कर रही है, तैयार वैयार होके वेट कर रही है कि साजन जी आएंगे और हम मिल जाएंगे और जायगोट बनाएंगे, क्लियर है। तो बैठ के वेट करती है, लेकिन कितने घंटे तक वेट कर सकती है, उसने समय दे रखा है, अगर 24 घंटे में आओगे तो सही है, और नहीं आओगे सजना जी भाड़ में जाओ। तो बेटा ये यहां पे जो सेकेंडरी ओसाइट है, या इसी को जिसको हम ओवन बोल रहे हैं, ये होती है वायबल होती है, या वायबल का मतलब एक्टिव रहेगी फॉर 24 आवर्स के लिए। तो ये 24 आवर्स के लिए वेट करती है कहां पे बेटा जी, आपके एम्पुलरी जंक्शन या एम्पुला वाले जगह पे, दैट इज द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, क्लियर है जी। अब क्या हुआ ये 24 घंटे, अब सपोज कर लीजिए कि किसी भी फीमेल के वेजाइना में सीमेन का इंसर्शन हो, तो होगा क्या बेटा जी, यहां पे मान लीजिए पेनिस इंसर्ट हुआ, क्या हुआ बेटा जी, ये मान लीजिए आपका पेनिस है, तो जब सेक्सुअल क्वार्टस होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल के बीच में, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो पेनिस वजाइना में इंजेक्ट होगा, और विद इन अ सिंगल कोपुलेशन या विद इन अ सिंगल क्वार्टस कितना स्पर्म रिलीज होता है, अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई है तो आपको याद होगा 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है इन अ सिंगल क्वार्टस, एक सिंगल क्वार्टस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होगा बेटा जी, रिलीज होगा। तो जैसे ही ये स्पर्म रिलीज होते हैं यहां पे आएंगे, से मान लीजिए आपका हेड, मिडिल नेक, मिडिल पीस, ये टेल, कुछ इस तरह के ही होते हैं, ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं यहां पे, जैसे ये वजाइना में लिबरेट होंगे, सीक्रेट होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं किस फॉर्म में आएगा, बेसिकली जो रिलीज होता है द थिंग विच इज रिलीज इन टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज द सीमन, यानी कि सीमन का
फीमेल के वजाइना में घुसना यानी कि फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में एंट्री मारना, इसको बोलते हैं इनसेमिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा जी? इनसेमिनेशन। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग कोइटस सीमन क्या रिलीज होगा, जब ये पेनिस से क्या रिलीज होगा, सीमन, और ये सीमन रिलीज होगा इनटू द वजाइना। कहाँ रिलीज हो रहा है? वजाइना में। तो जैसे ही सीमन फ्रॉम मेल पेनिस इजेक्टेड आउट एंड इट इज एंटरिंग इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, देन दिस प्रोसेस सीमन कहाँ घुसा, वजाइना में, तो इसको बोलते हैं इनसेमिनेशन। क्या हो गया बेटा? इनसेमिनेशन। जैसे ही पेनिस से निकल के सीमन घुस जाता है वजाइना वाले पार्ट में, तो इसको बोलते हैं इनसेमिनेशन। एक बार अगर कोइटस होगा तो बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होगा सिंगल कोइटस में। अब क्या 200 से 300 मिलियन स्पर्म पहुंच पाएंगे क्या एक के पास में? बेटा जी ध्यान रखिएगा, एक के पास में केवल एक ही स्पर्म पहुंच पाएगा। तो होगा क्या, जैसे ही ये स्पर्म जो रिलीज हुआ 200 से 300 मिलियन ये वजाइना वाली लेयर से पास आउट होगा, तो वजाइनल सिक्रेशन, वजाइना कुछ एसिड सिक्रेट करता है, ये वजाइना कुछ चीजें सिक्रेट करेंगी, ठीक है? तो वजाइना क्या कर रहा है, कुछ सिक्रेट कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं वजाइनल सिक्रेशन। वजाइना कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, बेसिकली वो एसिड के फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या करते हैं एसिड, ये एक्ट करते हैं किसके ऊपर बेटा जी, स्पर्म के ऊपर, और इसको किल करने का काम करते हैं। लार्ज अमाउंट में किलिंग होती है, लार्ज अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में किलिंग होती है, लेकिन एक स्पेशल प्रोसेस भी होता है। तो बेटा बहुत ज्यादा किलिंग हो जाती है, तो जो स्पर्म यहां तक पहुंच पाते हैं आपके एम्पुला वाले भाग पे, मात्र बेटा जी 200 to 300 स्पर्म reaches to ampullary region या ampullary region। केवल सोचिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, उसमें से मात्र 200-300 भी नहीं, छोड़िए मात्र 200 स्पर्म आपके एम्पुला रीजन तक पहुंच पाते हैं। कितने? 200 स्पर्म, सोच लीजिए, यानी 200 मिलियन से 300 मिलियन था, इतना ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट। यहाँ जो फीमेल क्या करते हैं बेटा, बेसिकली होता क्या है, जब ये अंदर जाता है वजाइना में, तो यहाँ कुछ वजाइनल एसिड सीक्रेट करती हैं जो इस स्पर्म को मारने लगेंगी। कुछ स्पर्म तो यहाँ डेड हो गए, जैसे ये थोड़ा और ऊपर चढ़ेगा तो बेटा देखिए जनरली क्या होता है, इम्यून सिस्टम यहाँ रिस्पॉन्स होता है। देखिए क्या होता है भाई, फीमेल के जेनिटल के लिए या फीमेल की बॉडी के लिए ये स्पर्म क्या है, एक फॉरेन सेल है ना, तो यहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज क्रिएट हो, या अगर बोले तो कुछ फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करके मारने का काम करती हैं, कुछ तो वो इंगल्फ कर जाती हैं। तो बेटा इसलिए जब से स्पर्म निकला है तब से उसका कत्लेआम चालू है, दे मारना दे मारना दे मारना, सब मार रहे हैं। तो मारते मारते मरते 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 तभी भी कुछ बच जाते हैं, तो ये जो यहाँ पहुंचेंगे वो केवल 200 स्पर्म होते हैं। लेकिन बेटा जी यहाँ पे जो वजाइना से आपका जो एसिड निकल रहा है सिक्रेशन, ये एक्चुअली करता क्या है जरा सुनिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ इस तरह का ये लेयर है, हेड, नेक, मिडिल पीस, और ये हो गया टेल, ठीक है जी। ये जो स्ट्रक्चर है आपने मेरे साथ पढ़ा होगा स्पर्म का, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। यहां पे हेड वाले पार्ट में क्या था, एक क्रोमोसोम, जिसके अंदर में हाइड्रोलाइटिक इंजाइम है, यानी यही इंजाइम्स मदद करती हैं किस चीज में बेटा, फर्टिलाइजेशन करने में। यहां पे ये मान लीजिए सिंगल इलोंगेटेड न्यूक्लियस हो गया, थोड़ा इसको और बड़ा बना देता हूं, ठीक है। ये आपका नेक हो गया,
आपका मिडिल पीस हो गया, ये आपका टेल हो गया। इसके चारों तरफ सराउंडिंग होती है बेटा, ये तो एक सेल है, तो सेल के बाहर में जो सराउंडिंग होगी एनिमल सेल है, तो यहां पे चारों तरफ इसके मौजूद होगी बेटा जी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनी होती है कि जिसे बेसिकली आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ही बनी होगी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ना लिपिड, ठीक है। तो यहां से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अगर बात करेंगे, छोड़िए इसको, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होगी, ठीक है जी। ये जो वजाइना से, ये जो वजाइनल फ्लूइड निकल रही है, वजाइनल सिक्रेशन हो रहा है, जो एसिड सिक्रेट हो रहा है, ये इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो ये जो चीजें एक्ट करा रहा हूं, ये जो चीजें एक्ट करा रहा हूं, ये जो चीजें एक्ट करा रहा हूं, ये मान लीजिए क्या बेटा, वेजाइनल सिक्रेशन या वेजाइनल एसिड है, वेजाइनल फ्लूइड है, जो इसके ऊपर एक्ट करती है। किसके ऊपर बेटा, तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे ही वेजाइनल सिक्रेशन इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ये हो जाएगी वीक, क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और काफी वीक हो जाएगी, क्योंकि बेटा और रिमूव भी होने लगेगी अल्टीमेटली। क्यों बेटा जी, ऐसा करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि बेटा जितनी भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो कहा है, एक्रोसोम में है, कहा बेटा जी, एक्रोसोम में। तो बेटा जब बाहर वाली लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी फटके निकलेगी, तभी तो एक्रोसोम जाके बस्ट करेगा और उससे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलेंगी, और वो जाके आपके कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइलुरोनिडेज एंजाइम और जोना लाइसिन एंजाइम, जो जोना पेलुसिडा पैक करेंगी, कोरोना रेडिएटर को पास करेंगी, वो सब एंजाइम है कहां, एक्रोसोम में। तो ये जो बाहर वाली लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको रप्चर करने का काम, इसको वीक करने का काम करता है वजाइनल सिक्रेशन। कौन करेगा बेटा, जो वजाइना से फ्लूइड निकल रहा है वो आपके जो स्पर्म है, स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक करने का काम करता है। सो वजाइनल सिक्रेशन इज बेसिकली रिमूविंग द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पार्ट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पार्ट फ्रॉम, कहां से निकालेगा बेटा जी बताइए, फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेकिंग इट वीक, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक बना देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो गई और अब ये बाहर से एकदम पतली लेयर हो जाएगी, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली अब टूटने वाला होगा। तो बेटा जी अब स्पर्म और क्या ज्यादा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, वो और जल्दी 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 क्या करेगा, मूव करेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है, यानी हमने क्या किया, फंक्शनली इस स्पर्म को क्या कर दिया बेटा, मैंने नहीं, आपके वजाइनल सिक्रेशन ने स्पर्म को क्या कर दिया बताइए, फंक्शनली मैच्योर कर दिया। तो फंक्शनल मैच्योरेशन जो हो रहा है स्पर्म का, वो हो रहा है वजाइना में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब हुआ, ये जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाए, फट जाए, टूट जाए। यह कहां हो रहा है बेटा, फीमेल के वजाइना में हो रहा है। तो भैया फंक्शनल मैच्योरेशन जो होता है किसका, स्पर्म का, वो हो रहा है वजाइना में। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैपेसिटेशन, क्या बोलेंगे बेटा जी, कैपेसिटेशन। इस प्रोसेस को जहां पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी ड्यू टू दिस वजाइनल सिक्रेशन, इस प्रोसेस को हमने बोला कैपेसिटेशन। तो याद रखिएगा, कैपेसिटेशन
का मतलब हो गया कि बेटा जब स्पर्म आएगा वजाइना में तो वहां पे वजाइनल जो फ्लूइड होंगी एक्ट करेंगी उसके ऊपर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक कर देंगी, जिसकी वजह से आपका ये जो एक्रोसोम और आपका न्यूक्लियस बेसिकली यही तो जाके कंबाइन होने वाले हैं फीमेल के इसके साथ में, अरे भैया एक के साथ में। याद रखिएगा एक और पॉइंट, जो साइटोप्लाज्म होता है स्पर्म में वो निग्लिजिबल होता है, एकदम ना बराबर होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ ह्यूमन एग उसके अंदर में पूरा साइटोप्लाज्म भर भर के रहता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म एकदम निग्लिजिबल अमाउंट में रहता है। क्लियर है जी? तो यहाँ पे जैसे ही वजाइना सेक्रेशन एक्ट किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई बेसिकली रप्चर करने लगती है, तो टूटने लगेंगी, वीक हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, अब ये जो स्पर्म है और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन क्या हो रहा है वजाइना में, अब धीरे धीरे स्पर्म जो होगा इसके बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकल गई, मान लो ये इस तरह से है एक्रोसोम न्यूक्लियस गेटिल, यानी बाहर वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, तो इस फॉर्म में ये और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सो स्पर्म नाउ बिकम हाईली एक्टिव, क्या हो जाएगा बेटा जी, हाईली एक्टिव एंड अक्वायर कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलेंगे? कैपेसिटेशन। तो यहां मैं लिख देता हूं कैपेसिटेशन का मतलब क्या हो गया, इन इस कैपेसिटेशन में क्या होता है, स्पर्म बिकम हाईली एक्टिव, क्या हो जाएगा बेटा, हाईली एक्टिव हो जाएगा एंड अक्वायर कैपेसिटी फॉर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। यानी यहाँ पे जो स्पर्म हो गया है वो फंक्शनली मैच्योर हो गया है, अब उसका जो फंक्शन है क्या फर्टिलाइजेशन करने का, आपके एक के अंदर में घुसने का, वो सारे प्रोसेस कर सकता है। तो टिल नाउ, अब यहाँ पे एक और चीज जान लीजिए, जो स्पर्म होता है ये स्पर्म जो होता है ये वायबल होता है, ये एक्टिव होता है 5 डेज के लिए, कितने बेटा 5 दिन के लिए एक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। तो बेटा यहाँ पे आ गया है एग, एग कितने दिन के लिए वायबल है, 1 डे के लिए या 24 आवर्स के लिए, और ये स्पर्म जो होता है वो वायबल होता है 5 डेज के लिए। टिल नाउ जो जो चीजें लिखी हुई पढ़ी है हमने वो एनसीईआरटी से एक बार पढ़ के देखते हैं कि जो जो चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें दे रखी है कि नहीं दे रखी है। कैपेसिटेशन के बारे में भी इसको मैं डेफिनेशन यानी कि फंक्शनल मैच्यूरेशन स्पर्म है उसी को कैपेसिटेशन बोलते हैं, ये सारी चीजें मैं लिख के बताऊंगा, अभी तक ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जरा उन सारे को देखते हैं, जरा मैं पानी पी लूं। चलिए दोस्तों आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए दे रखा है ड्यूरिंग कोपुलेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस, सीमन कहां से रिलीज हो रहा है, पेनिस से इनटू द कहां रिलीज हो रहा है, वजाइना, दैट इज कॉल्ड एज इनसेमिनेशन। क्लियर है जी? यहां पे स्पर्म आया कितना 200 से 300 मिलियन और स्पर्म क्या होता है मोचाइल, क्योंकि इसमें क्या बेटा टेल, टेल की वजह से खूब तेजी से मोचाइल होता है, मूव कर सकता है बहुत तेजी से, रैपिडली मूव करके कहां जाने के लिए व्याकुल है, सजनी से मिलने के लिए, और सजनी कहां बैठी हुई है, सज सवर के कहां पे बेटा जी, एम्पुला रीजन पे। द मोचाइल स्पर्म स्विम्स रैपिडली एंड पासेस थ्रू द कहां जाएगा, ये दिस रीजन इज सर्विक्स, दिस इज यूटेरस, ठीक है जी, तो सर्विक्स एंटर इनटू यूट्रस एंड फाइनली रीचेस टू द एम्पुला रीजन, दैट्स द फेलोपियन ट्यूब का कौन सा रीजन पे, एम्पुला पे,
ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके बाद बेटा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मीट होगा तो वहां पे ओव्यूलेशन होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगी, सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा, और चूंकि वो क्या बेटा नॉन मोटाइल है तो ये जो यहाँ पे सिलिया लगी हुई सेल्स, क्या बताया था अभी, अरे बताएंगे सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथिलियम सेल्स यहाँ पे होंगी, वो इन सारे सेकेंडरी ओसाइट को लेके एम्पुला तक पहुंचाने का काम करेंगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, वो नॉन मोटाइल है, सेकेंडरी ओसाइट क्या बेटा नॉन मोटाइल है, स्पर्म क्या है, स्पर्म दिख रहा है, स्पर्म क्या है मोटाइल है, तो ये तो जल्दी जल्दी मूव कर जाएगा। इनका मूवमेंट कौन कराएगा, ये जो दिख रही है सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथिलियम, वो इन सेकेंडरी ओसाइट को लेके जाएंगी एम्पुला पार्ट तक। द ओवम रिलीज बाय ओवरी इज ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन, किससे जाएंगी बेटा एम्पुलरी रीजन, किससे जाएंगी सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथिलियम सेल्स, किसकी मदद से सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथिलियम की मदद से, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। बेटा ये स्टेटमेंट उतना सही नहीं है कि दोनों एक साथ रिलीज होंगे, जरूरी थोड़ी ना बेटा। मान लीजिए यहाँ पे एक रिलीज हो गया तो एक कितने दिन तक वायबल रह सकता है, एक एक जो है एक्टिव या वायबल रह सकता है नियर अबाउट 24 आवर्स के लिए, स्पर्म जो होगा ये एक्टिव और वायबल रह सकता है नियर अबाउट 5 डेज के लिए। तो बेटा जी हो सकता है कि स्पर्म पहले आके डिपॉजिट हो जाए वहां पे, या हो सकता है कि एक आके डिपॉजिट हो जाए स्पर्म बाद में आया हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं है कि साइमल्टेनियसली होगा, ये जरूरी नहीं है एक साथ हो, जरूरी नहीं है। लेकिन बेटा एनसीईआरटी कहती है तो हमें सत्य वचन मान के उसको क्या करना होगा, टिक करना होगा, हम उस पे संदेह नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअली में देखिए स्पर्म आ गया कितने दिन तक वेट, एक दिन तक तो वेट कर ही सकता है, और मान लीजिए स्पर्म उसके बाद आया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। या मान लीजिए स्पर्म आ गया था पहले ही और आपका एग आया बाद में, मान लीजिए 14वें दिन पे ओव्यूलेशन हुआ, स्पर्म आपका 11वें दिन ही रिलीज हो गया था, तो बेटा वायबल रहेगा ना, 5 दिन तक रह सकता है ना, 11, 12, 13, 14, और जैसे ही एग आएगा फर्टिलेशन हो जाएगा, ठीक है जी। तो साइमल्टेनियसली नहीं होता है, लेकिन हमें एनसीईआरटी कर रही है कि दोनों एक साथ रिलीज होंगे तो हम भी कहेंगे एक साथ रिलीज होंगे। फर्टिलेशन कैन अकर ओनली इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन, कहां होगा तो फर्टिलेशन कहां हो रहा है एम्पुलर रीजन पे। दिस इज द रीजन, सॉरी ये वाला रीजन नहीं बेटा, ये वाला रीजन, दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कोआगुलेशन, कोआगुलेशन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हो रहा है लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। अब मान लीजिए सपोज करिए बेटा एक कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए वायबल है, अगर उस समय तक स्पर्म पहुंच गया तब तो सुभान अल्लाह फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी। उस समय के बाद 24 घंटे अगर एक के रिलीज हुए हो गए हैं, उसके बाद आप कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एग अब क्या हो गया इनएक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप स्पर्म डालते रहिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है जी। तो एग जब तक वायबल है तभी तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, ये सारी चीजें दे रखी है। अब हम थोड़ा कैपेसिटेशन के बारे में लिख देते हैं जो आप पढ़ लें, क्लियर है, ये बातें आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, कैपेसिटेशन नहीं दे रखा है उसको भी मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप पहले इसको नोट डाउन कर लें। चलिए बेटा जी कैपेसिटेशन, तो यहाँ पे मैंने एक एक टर्म जो आपको समझाया था कैपेसिटेशन के बारे में वो सारा टर्म्स यहाँ पे लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये था वेजाइनल सिक्रेशन, किसके ऊपर लग रहा था बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म,
और उसको वीक कर रहा था। अब सपोज करिए, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे बाहर ऊपर में मेरे छत के ऊपर यानी मेरे सर के ऊपर एक गठरी रखी हुई है, तो ये एक एक्स्ट्रा बोझ है कि नहीं है? और मुझे बोल दिया कि 100 किलोमीटर तुम लेके ये गठरी चलो जो 50 किलो की है। बेटा चल पाऊंगा क्या? या अगर चल भी लूंगा तो काफी धीरे 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 जाऊंगा, रैपिड मूवमेंट नहीं होगा ना जी, जल्दी दौड़ के तो नहीं जा सकता 100 किलोमीटर 50 किलो की गठरी लेके। उसी तरह से सेम आपका होता है बेटा स्पर्म, स्पर्म के बाहर में एक लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखता है ये वेजाइनल फ्लूइड या वेजाइनल सेक्रेशन, जो वेजाइनल से जो एसिड निकलता है ये एक्ट करेगा और जो एक लेयर है बाहर वाली दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर एक्ट करके उसको वीक कर देगा, तोड़ने का काम करेगा। कौन बेटा? वेजाइनल एसिड, या वेजाइना के अंदर से जो एसिड क्रिएट सीक्रेट हो रहा है, जो सीक्रेशन हो रहा है। तो बेटा जो बाहर वाली लेयर है वो एकदम वीक हो गई, यानी बेटा थोड़ा बहुत वेट कम हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत तो कम हुआ होगा ना जी, वैसे कम हो गया। तो अब मूवमेंट और ज्यादा क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा और रैपिडली ये मूव करके कहां चला जाएगा? एम्पुला पे, जहां सजनी बैठी हुई है। इट टेक्स एम्पुला इन, सॉरी, कैपेसिटेशन कहां हो रहा है बता ही दिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, वेजाइना में। इट टेक्स प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और बेसिकली कहां होगा याद रखिएगा, वजाइना वाले पार्ट में होगा। फंक्शनल मैच्यूरेशन इसी को क्या कहते हैं, जहां पे ये करना काफी जरूरी है, क्योंकि तभी एक्रोसोम क्या होगा बेटा, एक्सपोज होगा, और एक्रोसोम जैसे ही पहुंचेगा आपके कहां पे, एग के पास में, इसके अंदर में बहुत सारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगी, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगी फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिडेज, जोनालाइसिन, हाइलुरोनिडेज, जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, और ये बेसिकली किसके ऊपर जाके एक्ट करेंगी, तो एग के मेम्ब्रेन, एग के बाहर में जो लेयर्स होंगी फॉर एग्जांपल वेटलिन मेम्ब्रेन, अभी हम पढ़ेंगे पैराबेटलिन, जो बेटलिन मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद जोना पेलुसिडा, उसके बाद कोरोना रेडिएटर, इनको डाइजेस्ट करने का काम करेगी, ताकि स्पर्म के अंदर में जो न्यूक्लियस है वो किसके साथ जाके फ्यूज हो पाए, किसके साथ? एग के न्यूक्लियस के साथ में, तो ही तो फर्टिलाइजेशन होगा जी, क्लियर है? तो यही मेन मकसद है। तो ये एक्रोसोम एक्सपोज हो जाएगा तो एंजाइम्स आसानी से निकलेंगी और वो जाके एग के मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करके खत्म कर देंगी, फर्टिलाइजेशन को क्या करेंगी, इनहेंस करेंगी। सो फंक्शनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन, इसी को बोल रहे हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये कैसे पता चला कि कैपेसिटेशन मस्ट है फर्टिलाइजेशन के लिए? सुनिएगा, आपने एक टेक्निक सुनी होगी, टेस्ट ट्यूब बेबी। मान लीजिए किसी को क्या है बेटा, जिसका पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो जनरली क्या करते हैं, ओवम को, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओवम जो होता है उसको फीमेल से लेते हैं, और जो स्पर्म होता है उसको टेस्टिस से निकाल लेते हैं। जो फंक्शनली मैच्योर हो जाएगा तो वो उसको निकाल के हम एक टेस्ट ट्यूब में यानी कि ग्लास में आर्टिफिशियली हम वहां एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, और स्पर्म और एग दोनों को मीट कराया, हमने मीट करा दिया, मैंने नहीं, साइंटिस्टों ने मीट कराया, ठीक है? तो मीट कराया और बैठे रहे, वेट करते रहे, 24 आवर्स हो गया, फर्टिलाइजेशन होगा, होगा नहीं हुआ, हो सकता है उसने सोचा, हो सकता है यार स्पर्म वायबल नहीं हो या एग नहीं वायबल हो, फिर निकाला, फिर किया, फिर वही रिजल्ट होगा। तो बेटा ये फर्टिलाइजेशन हो क्यों नहीं रहा है, परेशान हो गए सब कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन हो क्यों नहीं रहा है, व्हाई दिस फर्टिलाइजेशन इज नॉट हैपनिंग, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो बेटा रीजन क्या था, ध्यान से सुनिएगा बेटा, उन्होंने स्पर्म को पूरा निकाला था और डाल दिया था कहां पे, एग के सराउंडिंग में। उन्होंने बेटा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव नहीं किया था, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव नहीं होगा तो एक्रोसोम एक्सपोज नहीं होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर नहीं निकलेंगी, और नहीं निकलेंगी तो एग या ओवम कभी भी उसकी बाहर वाली लेयर, जोना पेलुसिडा, कोरोना पेनिट्रेट, कोरोना रेडिएटा, ये सारे को पायर्स नहीं कर पाएगा स्पर्म, इसीलिए वहां पे
क्या नहीं हो पा रहा था, फर्टिलाइजेशन। तब उन्हें पता चला कि ओ माय गॉड, फर्टिलाइजेशन करने से पहले इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें निकालना पड़ेगा। तब उन्होंने प्रोसेस अपनाया और जो स्पर्म लिया उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव किया, तब जाके स्पर्म और एग को साथ में रखा, तब इंश्योर हुआ फर्टिलाइजेशन। यानी बेटा जी, कैपेसिटेशन इज मस्ट है फॉर द फर्टिलाइजेशन। बाकी सारी बातें बता चुका हूं। दिस इज अ प्रोसेस इन विच जनरली वजाइनल सिक्रेशन एक्ट अपॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, इट रिमूव्स द प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जो पार्ट होता है इसका रिमूव कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेक इट वीक, वीक बना देगा, काफी कमजोर कर देगा। अब ये वीक हो गया, भार घट गया, वेट घट गया, अब स्पर्म और तेजी से मूव करेगा, किसकी तरफ, एम्पुला की तरफ जाने की कोशिश करेगा। नाउ स्पर्म नाउ बिकम हाईली एक्टिव, हाईली एक्टिव एंड अक्वायर कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसमें अब कैपेसिटी आ गई है, क्योंकि ये बाहर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे काफी वीक हो जाएगा, काफी वीक हो गया, तो अब एक्रोसोम एक्सपोज हो गया। अब ये एक्रोसोम एक्सपोज होगा, बाहर में जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये सीक्रेट करेगा, और यहाँ पे मान लीजिए ये है एग, हम पढ़ेंगे, ये मान लीजिए ओवम है, ओवम के बाहर में होगा जोना, पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा। तो यहां से जो ये एक्रोसोम है इसमें से जो इंजाइम्स निकलेंगी, ये सारी इंजाइम्स इनके ऊपर एक्ट करेंगी ताकि ये सारे लेयर खत्म हो जाए और ये आपका न्यूक्लियस जो है या स्पर्म है आपके ओवम से मीट कर जाए। ठीक है जी, तो ज्यादा एक्टिव हो गया, फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दिस इज एसेंशियल, ये करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ही एक्रोसोम इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? एक्रोसोम विच कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल हाइल्यू रोनिडेज, जोना लाइसिन एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। दिस विल, ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे बताया, डाइजेस्ट करेंगी, डाइजेस्ट एग या ओवा मेम्ब्रेन, एग या ओवा की जो मेम्ब्रेन होंगी, ये एग या ओवा की जो मेम्ब्रेन है उनको डाइजेस्ट करेगी और फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाएंगी। यही है आपका कैपेसिटेशन। तो याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन अगर करना है तो पहले कैपेसिटेशन होना चाहिए, वरना आप भी फेल हो जाओगे। किस तरह? जैसे वो साइंटिस्ट फेल हो गए थे टेस्ट ट्यूब बेबी वाले, क्लियर है जी? तो वो लोग क्या कर रहे थे, एक को ले लिया और स्पर्म को ले लिया, उन्होंने बाहर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव ही नहीं किया और इंतजार करें फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक नहीं होगी, एक्सपोज नहीं होगा एक्रोसोम, बाहर नहीं निकलेंगे आपके एंजाइम्स, तो कैसे होगा भैया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो फॉर द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटेशन इज नेसेसरी, एनसीईआरटी नहीं दे रखा है लेकिन पूछा जाता है, पूछा भी हुआ है ये वाला पॉइंट कि एक्चुअली में कैपेसिटेशन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो याद रखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एग्जाम्पल ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है एक्चुअल फर्टिलाइजेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं, पहले तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, क्लियर है जी? देखिए बेटा जी, ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज द ओवम दैट इज सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म, ये बीच में पूरा ओवम का स्ट्रक्चर दे रखा है। देखिए, जैसे यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एकदम वैसे ही बनाने की कोशिश की है। देखिए, अंदर वाला ये जो पार्ट है ओवम है, ओवम का जो मेम्ब्रेन होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम इज नोन एज विटेलिन मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं उसको, विटेलिन मेम्ब्रेन, मैंने लिख भी दिया मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। इसके जस्ट बाहर में एक स्पेस दिखाया है और लिखा उसका पेरिविटेलाइन स्पेस, क्लियर है? ये डायग्राम पूछा हुआ है एनसीईआरटी का, ध्यान रखिएगा। तो ओवम के बाहर दैट इज नोन एज द पेरिविटेलाइन स्पेस, ठीक है जी? और जस्ट इसके बाहर जो नॉन सेलुलर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है, और बाहर में क्या था उसके,
लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल जिसको हमने बोला कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना रेडिएटा होती है बेटा, इसके बीच बीच में या बेसिकली जो कोरोना रेडिएटा होती है ये एक स्पेसिफिक कंपोनेंट या एलिमेंट से बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइल्यूरोनेन। क्या बोलते हैं? हाइल्यूरोनेन। ये एक कंपोनेंट होता है जिससे आपका ये कोरोना रेडिएटा फॉर्म होती है। तो हाइल्यूरोनेन हो गया, ठीक है, बीच बीच में बना भी दिया है कोरोना रेडिएटा। तो सबसे अंदर में अगर ध्यान देंगे, ये मान लीजिए सबसे अंदर में ये है ओवम, ओवम के बाहर में जस्ट उसके बाहर में जो मेम्ब्रेन होगी उसको क्या बोला? विटिलिन मेम्ब्रेन। विटिलिन मेम्ब्रेन के बाहर में जो स्पेस है पेरिविटिलिन स्पेस, उसके बाहर वाली लेयर जो है दैट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाहर में जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एग की जो मेम्ब्रेन है उसको बोला विटिलिन मेम्ब्रेन, उसके बाहर में दूसरा जो स्पेस है उसको बोला वेटेलाइन पेरिवेटेलाइन स्पेस, ओके जी। उसके बाहर में जो है दैट इज जोना पेलुसिडा जो कि हरी कलर से दिखाया होगा, हरा हरा आपके एनसीईआरटी में, और सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा जो कि किसी से बनी हुई है हेलिनोनेन नाम के कंपोनेंट से बनी हुई है। क्लियर है जी? ध्यान से सुनिएगा, ये सारा आपके दे रखा है एनसीईआरटी में। एक बार पूछ लिया पेरिवेटेलाइन क्या होता है, स्पेस पेरिवेटेलाइन स्पेस क्या हो गया, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पेस बिटवीन विटिलिन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा। देखिए ये जो दिख रही है विटिलिन मेम्ब्रेन, ये क्या रही है जोना पेलुसिडा, बीच में आपको क्या दिख रहा है पेरिविटिलाइन स्पेस। सो इट इज अ स्पेस फाउंड बिटवीन, किसके किसके बीच में पाया जाएगा, विटिलिन मेम्ब्रेन एंड व्हाट बेटा जी, जोना पेल्यूसिडा। क्लियर है? नोट डाउन कर लेंगे। और यहां पे कुछ एक स्पम्स दिखाए हुए हैं, अब जब ध्यान से सुनिएगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। कुछ स्पम्स एक दो तीन ऐसे दो ही बताए, जनरली 200 के आसपास पहुंचते हैं, ठीक है जी। तो बेटा जी मैंने पहले ही बोल दिया कि इसका कैपेसिटेशन हो गया है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गई है। अब यहां पे क्या होगा बेटा, जैसे ही पास में आएगा एक्रोसोम बस्ट कर जाएगा। अब जब एक्रोसोम बस्ट करेगा बेटा जी तो क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगी सराउंडिंग में। आप देख पा रहे हैं, देखिएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो यहां मैंने एंजाइम्स लिखे हैं उसको ध्यान से जरा देखिएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये सराउंडिंग में क्या होगी बेटा, डिसोसिएट हो जाएगी, निकल जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब ये किसके साथ में, ये जो मेम्ब्रेन्स है एग की मेम्ब्रेन ओवम की मेम्ब्रेन, इन सबको क्या करेंगी बेटा जी, बताइए बोलिए तो सही, इन सबको डाइजेस्ट करना काम करेंगी। तो कौन कौन सी एंजाइम है, पहला है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं बता रहा हूं, इट विल एक्ट अपॉन, यहां से देखिए हाइल्यूरिनेन पे, किसके पे एक्ट करेगा, हाइल्यूरोनोन जो आपके कोरोना रेडिएटर के आसपास में पाया जा रहा है उसके ऊपर एक्ट करेगा। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स जो किसको पेनिट्रेट करेंगी, कोरोना रेडिएटा को, और जोना लाइसिन या एक्रोजिन भी बोलते हैं, इट विल एक्ट अपॉन जोना पेलुसिडा। फिर से सुन लीजिएगा, हाइल्यूरिनिडेज किसको डाइजेस्ट करेंगी, हाइल्यूरिनेन को, कोरोना पेनिट्रेटिंग किसको, कोरोना रेडिएटा को, जोना लाइसिन किसको, जोना पेलुसिडा को। नोट डाउन कर लेंगे, इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि बड़ा वो स्ट्रक्चर हो जाएगा। हाइल्यूरिनिडेज किसको, हाइल्यूरिनेन जो कि आपके कोरोना रेडिएटिंग में पाया जाएगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कोरोना को पेनिट्रेट करके, कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करके आगे बढ़ाएंगे उनको, और जोना लाइसिन जो कि जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करने का काम करेंगी। क्लियर है जी? अब मैं इन सारी चीजों को जरा मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि अब हम आगे का प्रोसेस पढ़ सकें।
देखिएगा बेटा जी, यहाँ पे जो ये सारी चीजें हैं, अब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, अब ये एक्रोसोम ने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को निकला, ये धीरे धीरे एंजाइम्स ने इसको पास आउट किया, रेडिएट करके कोरोना रेडिएटिंग या कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स ने या इसके ऊपर एक्ट किया, कोरोना रेडिएटर को हटा दिया। अब स्पर्म आगे बढ़ा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो बेटा जब ये जाएगा इस लेयर के पास में, कोरोना रेडिएटर को क्रॉस करके पहुंचेगा आपके जोना पेलुसिडा पे, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये है आपका स्पर्म, ये एक्रोसोम, यहां पे आपका न्यूक्लियस, इससे क्या निकला बेटा जी, आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकले, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकले, देखिएगा यहां से जो पहला है कोरोना रेडिएटा, तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और हाइलुरोनोन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन है कि हाइलुरोनिडेज एंजाइम आई, उसने इन दोनों लेयर को क्रॉस किया। अब ये स्पर्म, इधर से भी कुछ स्पर्म, इधर से भी कुछ स्पर्म यहां पहुंच गए, मान लीजिए यहां पार्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच गए कुछ स्पर्म, ये स्पर्म भी यहां पहुंच गए, कुछ स्पर्म इधर से भी पहुंच गए, अब जब ये जोना पेलुसिडा लेयर के पास में पहुंचेंगे तो जोना पेलुसिडा लेयर के पास में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जोना पेलुसिडा के ऊपर, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जोना पेलुसिडा लेयर के ऊपर, ये जो कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स दिख रहे हैं जोना पेलुसिडा के ऊपर, ये कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, दैट इज नोन एज ZP3, जोना पेलुसिडा 3 एक रिसेप्टर है, ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन, इसके ऊपर मौजूद होंगे बेटा जी जोना पेलुसिडा लेयर, जोना पेलुसिडा लेयर। तो एक्चुअली ये रिसेप्टर करते क्या है, ये जो रिसेप्टर होते हैं ये बेटा रिकॉग्नाइज करते हैं कि स्पर्म जो आया है वो ह्यूमन का है, कहीं कुत्ते का तो नहीं है, कहीं बैल का तो नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली अगर बोलें तो एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर, तो इंट्रा स्पर्म यानी कि सेम स्पीसीज का स्पर्म को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो यहां जो ZP3 रिसेप्टर है ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं इन सारे स्पर्म को कि ये जो स्पर्म आए हैं ये एक्चुअली, हाँ दोस्तों, तो क्या मैं बोल रहा था कि ZP3 जो जोना पेलुसिडा 3 रिसेप्टर है ये स्पेसिफिकली किसके स्पर्म को रिकॉग्नाइज करेगा, केवल ह्यूमन स्पर्म को, तो ध्यान रखिएगा इट विल रिकॉग्नाइज, केवल पहचानता है किसको, इट विल रिकॉग्नाइज ओनली ह्यूमन स्पर्म, ये ह्यूमन स्पर्म को, किसको, ह्यूमन जो स्पर्म होगा उसी को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर कोई अलग स्पर्म आ गया, आपके डॉग का स्पर्म आ गया या फिर मंकी का स्पर्म आ गया, तो ये इसको क्या कर देगा बेटा, रिजेक्ट कर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, पहचानने से इनकार कर देगा। हु आर यू, आई डोंट नो, आई नो ओनली ह्यूमन स्पर्म। तो कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं आपके कहां बेटा, जोना पेलुसिडा के ऊपर, दैट इज नोन एज ZP3, क्या होगा बेटा, ZP3। अब इनने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ भैया स्पर्म जो है वो किसका है,
ह्यूमन का है, तो कुछ स्पर्म्स को अलाउ किया ताकि आप कोरोना रेडिएटा को पास करिए और जोना पेलुसिडा को भी आप पास करके अंदर जाइए। तो जब ये स्पर्म जोना पेलुसिडा को पार करके अंदर जाएंगे, उनमें से केवल एक स्पर्म होगा, केवल एक स्पर्म होगा वो ओवम के अंदर चला जाएगा। और मान लीजिए ये कुछ और स्पर्म है जो पीछे है यहां पे, यहाँ पे कुछ पीछे है स्पर्म जो अंदर अभी नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में जैसे ही ये अंदर जाएगा, तो एक स्पर्म जैसे ही अंदर जाएगा, मान लीजिए ये स्पर्म जो है स्पर्म वन स्पर्म एंटर्स इनटू ओवम, यानी कि एक जो सिंगल स्पर्म होगा वो जैसे ही ओवम के अंदर में पहुंचेगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही एक स्पर्म अंदर में पहुंचा, बेटा इसका ये न्यूक्लियस है, इसने अपना न्यूक्लियस क्या किया बेटा, इजेक्ट कर दिया आपके ओवम में। तो यहां पे जो न्यूक्लियस होगा, ये जो न्यूक्लियस आएगा इस स्पर्म का, इस को बोलते हैं बेटा जी प्रो न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, मेल प्रो न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, मेल प्रो न्यूक्लियस, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही इनमें रेस चल रही थी, एक स्पर्म जो है रेस जीत गया, ये दो पीछे रह गए, ओके। तो जैसे ही एक स्पर्म पहुंचेगा ओवम के अंदर में, वो रिलीज करेगा, क्या बेटा, जैसे ही ओवम के अंदर में पहुंचेगा, उसने अपना क्या करेगा बेटा, इसको बेसिकली अपना न्यूक्लियस इजेक्ट आउट कर देगा इनटू द कहां पे, ओवम के पास में, और वो कहलाएगा मेल प्रो न्यूक्लियस। बेटा जी जैसे ही एक स्पर्म अटैच होगा टू द ओवम या विटिलिन मेम्ब्रेन, विटिलिन मेम्ब्रेन जो होगी, जो एक की मेम्ब्रेन है, जैसे ही उसके साथ अटैच होगा बेटा, वहां से वो ओवम क्या करेगा बेटा, और एक स्पर्म जो होगा अपना न्यूक्लियस उसके अंदर रिलीज करेगा, तुरंत के तुरंत ये जो वेटिलिन मेम्ब्रेन होगी वो कैसी हो जाएगी बेटा, डीपोलराइज स्टेट में चली जाएगी। ये जो विटिलिन मेम्ब्रेन है ये क्या कर लेगी बेटा, तुरंत इसके अंदर में डीपोलराइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, किस लिए, ताकि बेटा पोली स्पर्मी को रोका जा सके। यानी हमेशा याद रखिएगा, केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है एक ओवम को, तो बाकी सारे स्पर्म भी तो ताकत लगा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, लेकिन बेटा अब तो खतरा बढ़ गया कि ये लोग भी कहेंगे मुझे भी ले लो। तो तुरंत के तुरंत विटिलिन मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, अपना जो रेस्टिंग पोटेंशियल था -70 से वो कन्वर्ट करके +30 में पहुंच जाती है, जो हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज द डीपोलराइजेशन स्टेट। अब ये डीपोलराइजेशन स्टेट हो जाएगी, बाहर के सारे रास्ते क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, अब कोई स्पर्म उसके अंदर में नहीं जा पाएगा। तो पहला जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्लॉक, जैसे ही एक स्पर्म अटैच होता है टू द विटिलिन मेम्ब्रेन, और जैसे ही वो अपना निकालता है क्या बेटा जी, न्यूक्लियस, चूंकि वो तो इजेक्ट हो चुका है, यानी कि एक्रोसोम पहले निकल चुका है बाहर, ठीक है, अब बचा क्या, न्यूक्लियस। तो जो जैसे ही पहुंचा, उसने न्यूक्लियस किसमें डाल दिया, ओवम के अंदर में, तुरंत विटिलिन मेम्ब्रेन बहुत ही फास्टली क्या करती है, पूरा जो विटिलिन मेम्ब्रेन है अपने सराउंडिंग में क्या कर देगी, डीपोलराइज्ड स्टेट को क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से अब कोई एक्स्ट्रा जो स्पर्म, ये मान लीजिए पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, तो दूसरा और तीसरा देखते रह जाएंगे, वो अंदर नहीं जा पाएंगे, पहला तो ये है। तो बेटा जी ब्लॉक टू पोली स्पर्मी, इस बात को लिखिएगा किस तरह से ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक टू पोली स्पर्मी, यानी किस तरह से ब्लॉक करती है पोली स्पर्मी, यानी कि एक से ज्यादा स्पर्म ना पहुंच पाए ओवम के पास में। तो पहला जो ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं बेटा जी फास्ट ब्लॉक, क्या कहेंगे, फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, जैसे ही एक के पास में आपका ये स्पर्म, एक सिंगल स्पर्म जैसे ही पहुंचेगा और वो जैसे ही अपने न्यूक्लियस को इजेक्ट आउट करेगा ओवम में, तो बेटा जी तुरंत ये जो वेटिलिन मेम्ब्रेन होगी वो डीपोलराइज हो जाएगी, अब इसके बाद कोई एक्स्ट्रा स्पर्म उसके अंदर नहीं आ पाएगा, तो एक स्पर्म को घुसा लेगी, बाकी को
चाचा बाय बाय कर देगी, मैं नहीं जानती हूँ आर यू, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं तुरंत होता है, विद इन अ मिनट होता है ये काम, तो ये बहुत ही फास्ट होता है। सो फास्ट क्या हुआ, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में होता क्या है, जनरली ये जो ओवम है ना, इसकी जो विट्रीन मेम्ब्रेन है, यहाँ इसके अंदर में हमेशा -70 mV रहता है आपका चार्ज। लेकिन जैसे ही ये इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, इसके बाद पोलराइजेशन होता है, लेकिन फिर डीपोलराइजेशन में क्या होगा, ये -70 से +30 mV में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अंदर वाला माहौल अब पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से सारे चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे, अब कोई अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये -70 से +30 में गया कैसे, जैसे ही एक स्पर्म घुसता है वैसे ही ये तुरंत अपने आप को डीपोलराइज स्टेट में घुसा लेगा। सो डीपोलराइजेशन ऑफ किसका, वेजलिन मेम्ब्रेन, डीपोलराइजेशन ऑफ वेटलिन मेम्ब्रेन, विटालिन मेम्ब्रेन फास्ट ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, डीपोलराइजेशन ऑफ विटेलिन मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी एज अ रिजल्ट ओनली वन स्पर्म, नहीं, डीपोलराइजेशन ऑफ विटेलिन मेम्ब्रेन कब होगी, व्हेन वन स्पर्म एंटर और वन स्पर्म ट्रांसफर इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर इट्स न्यूक्लियस नियर ओवम, देन डीपोलराइजेशन अकर्स टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, ताकि अब कोई एडिशनल स्पर्म ना आ सके, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक का मतलब हुआ जहां पे विटेलिन मेम्ब्रेन है, विटेलिन मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज स्टेट में चली जाएगी। कब जाएगी, जैसे ही एक स्पर्म अपना न्यूक्लियस उसमें क्या करेगा, इंजेक्ट आउट करेगा, तुरंत वो डीपोलराइज हो जाएगी। उसके बाद बाकी सारे ये जो 2-3 स्पर्म देख रहे थे वो देखते ही रह जाएंगे, बाजी किसने मार ली, पहले वाले ने बाजी मार ली, और अब ये दोनों वहां रोते रोते डैमेज ही हो जाएंगे, ठीक है जी। तो डीपोलराइजेशन ऑफ विटेलिन मेम्ब्रेन का मतलब हुआ फास्ट ब्लॉक। तो याद रखिएगा, फास्ट ब्लॉक कब होता है, जब विटेलिन मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज स्टेट में हो जाएगी। और ये कब होगी, जैसे ही एक स्पर्म घुसेगा वहां पे कौन सा स्टेज क्रिएट कर देगा, डीपोलराइजेशन स्टेट, और इसकी वजह से कोई एडिशनल स्पर्म एंट्री नहीं मार पाएगा, एक घुस गया उसके बाद बाकी सारे को टाटा बाय बाय। इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट ब्लॉक, क्योंकि बहुत जल्दी होता है, विद इन अ मिनट में हो जाता है, ठीक है जी। इसको हमने बोला फास्ट ब्लॉक। एक और प्रकार का ब्लॉक होता है जिसको हम कहते हैं स्लो ब्लॉक, क्या बोलेंगे बेटा जी, स्लो ब्लॉक। सो सेकेंड टाइप ऑफ ब्लॉक इज नोन एज स्लो ब्लॉक। तो ब्लॉक किस लिए कर रहे हैं, हम लोग ब्लॉकेज कर रहे हैं ताकि एक से ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइज ना कर पाए, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज्यादा स्पर्म ना आ पाए। अब जो होगा स्लो ब्लॉक, देखिए ये क्या करता है बेटा जी, जैसे ही आपका यहां पे एक स्पर्म घुस गया, एक स्पर्म जो है आपके इस वाली ओवम के अंदर में चला गया, उसने अपना न्यूक्लियस दे दिया, जिसको हमने मेल प्रोन्यूक्लियस बोला है। तो बेटा जैसे ही ये घुसता है ओवम के अंदर, तो ओवम की जो लेयर होती है, ये ओवम की जो लेयर होगी, ये ओवम कुछ केमिकल सीक्रेट करने लगेगा, केमिकल विल रिलीज फ्रॉम द, कहां से रिलीज होंगे, आपके ओवम से रिलीज होने लगेंगे, और ये डिस्ट्रॉय कर देंगे ZP3 रिसेप्टर। बेटा एक्चुअली बारात को लेके अंदर कौन आ रहा था,
ZP3 ना, अच्छा तुम भी ह्यूमन स्पर्म हो आ जाओ, अच्छा तुम भी ह्यूमन स्पर्म हो आ जाओ, अरे तुम भी ह्यूमन स्पर्म अच्छा आ जाओ। यानी बेटा लेके कौन आ रहा था, उनको कौन कह रहा था कि अच्छा जो नपे आ गए तुम, वाह बहुत अच्छा आ जाओ स्पर्म, आ जाओ ह्यूमन स्पर्म, आ जाओ ह्यूमन स्पर्म। उनको रिकॉग्नाइज कर करके आगे कौन ट्रांसफर कर रहा था, कौन भेज रहा था बेटा जी, ZP3 रिसेप्टर ना। तो बेटा ये जैसे ही एक स्पर्म घुसेगा इसके अंदर में, ओवम रिलीज करने लगेगा सम केमिकल्स दैट विल डिस्ट्रॉय दिस रिसेप्टर्स। तो ये केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं ये ZP3 के ऊपर काम करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो याद रखिएगा, व्हेन वन स्पर्म एंटर्स इनटू ओवम देन ओवम, इसको जरा मैं मिटा देता हूं ताकि मैं लिख सकूं, देन ओवम स्टार्ट रिलीजिंग सम केमिकल्स विच विल डिस्ट्रॉय ZP3 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन जोना पेल्यूसिडा। तो जो ZP3 के ऊपर रिसेप्टर्स हैं उनको कौन डिस्ट्रॉय कर देगा, ओवम से कुछ केमिकल्स निकलेंगे। जो ZP3 रिसेप्टर्स जो यहाँ मौजूद थे, तो यहां मैं थोड़ा इसको स्पेसिफिकली बना लेता हूं, देखते हैं जरा पे, यहां पे देखिए ये है ओवम, ठीक है, ये आपका ZP3, ठीक है जी, ZP3 अभी तक ये बहुत सारे स्पर्म को अंदर घुसा चुका है। यहां से ओवम से रिलीज हुआ कुछ केमिकल, ये केमिकल एक्ट करेंगे किसके ऊपर, ZP3 के ऊपर। तो ये केमिकल्स जो यहां मैंने लिखे हैं क्या बेटा, केमिकल्स फ्रॉम कहां से निकल रहे हैं बताइए, तो ओवम से एक्ट अपॉन ZP3 एंड डिस्ट्रॉय इट, उसको क्या करेगा, खत्म करने का काम करेगा। तो बेटा जब ZP3 पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जो रिसेप्टर रिसीव करके आजा ह्यूमन स्पर्म जागे, आजा ह्यूमन स्पर्म जागे कर रहा था ना, अब वही खत्म हो जाएगा। यानी अब जोना पेल्यूसिडा कैसी हो गई बेटा जी, जोना पेल्यूसिडा कैसी हो गई, नॉन परमिएबल, अब कोई भी स्पर्म बाहर से नहीं आ पाएगा। तो अब भी चांसेस क्या होंगे, पॉलीस्पर्मी के खत्म हो रहे हैं कि नहीं होंगे। सो इसका मतलब व्हेन वन स्पर्म एंटर इनटू द ओवम देन ओवम स्टार्ट रिलीजिंग सम केमिकल दैट विल डिस्ट्रॉय द ZP3 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द जोना पेल्यूसिडा। इसका मतलब स्लो ब्लॉक में हो क्या रहा है, तो स्लो ब्लॉक में हो रहा है कि बेटा जोना पेल्यूसिडा वो कैसी हो जा रही है, इम्परमिएबल हो जा रही है। यानी अब ये जोना पेल्यूसिडा कैसी हो जाएगी, जोना पेल्यूसिडा कैसी हो जाएगी, इम्परमिएबल, क्या हो जाएगी, इम्परमिएबल हो जाएगी। क्लियर है जी, तो स्लो ब्लॉक में मैं लिख दू यहां पे जोना पेल्यूसिडा बिकम इम्परमिएबल। तो इसको जरा यहां पर लिख लीजिएगा, जरा देखता हूं आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, चलिए विजिबल है। तो याद रखिएगा दो प्रकार के ब्लॉक होते हैं, एक होता है बेटा जी पहला जो ब्लॉक हमने पढ़ा फर्स्ट ब्लॉक, यानी जैसे ही एक स्पर्म एंट्री मारेगा ओवम के अंदर में अपना न्यूक्लियस निकाल देगा, तुरंत जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा,
ओवम की जो मेम्ब्रेन है विजिलिन मेम्ब्रेन वो डीपोलराइज हो जाएगी, बहुत जल्दी होता है जिसको हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक, अब कोई एडिशनल स्पर्म उसके अंदर नहीं जा पाएगा, तो पोली स्पर्म ही रुक गई। दूसरा जो होगा वो होगा स्लो ब्लॉक, क्योंकि जब घुसेगा तो वहां से केमिकल निकलेगा, फिर वो जाएगा और JP3 के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, तो JP3 डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो कि घुसा रहा था। आजा बेटा तुम भी मेरी स्पर्म, आजा तुम भी आजा कर रहा था ना, अब वो वही डिस्ट्रॉय हो गया बेटा जी। तो जो जोना पेलुसिडा अब कैसी हो गई, कैसी हो गई बताइए, इम्परमिएबल हो गई। अब इसके बाहर में स्पर्म रहेंगे वो अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रिसेप्टर जो उनको पहचान रहा था, रिकॉग्नाइज कर रहा था, वो खुद ही डैमेज हो गया जी। तो ये दोनों फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक दोनों जो क्या करते बेटा जी, पॉली स्पर्मी को रोकने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्लॉक टू पॉली स्पर्मी, एक होगा फास्ट ब्लॉक, दूसरा होगा स्लो ब्लॉक, ठीक है जी। अब इतनी बातें जब आपने समझ ली हैं, तो समझिएगा सारी चीजें हो चुकी हैं। अब थोड़ा एक चीज आपको समझना रह गया है, थोड़ा उसको मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा। देखिए यहां पे जो आया है स्पर्म और जिसने अपना न्यूक्लियस यहां पे निकाल दिया, तो इसको हमने क्या बोला, मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है जी। अब सुनिएगा, जनरली जो यहां पे ये जो ओवम है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा जी, ओवम कह रहे हो, बेसिकली ओवम तो है नहीं, वो सेकेंडरी ओसाइट है ना, अभी उसका वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन पे अरेस्टेड है। तो यहां पे मान लीजिए ये उसका न्यूक्लियस है, सेकेंडरी ओसाइट का न्यूक्लियस या सेकेंडरी ओसाइट ही मान लीजिए, सेकेंडरी ओसाइट मान लीजिए। अब जैसे ही सुनिएगा, जैसे ही आपका मेल ये स्पर्म जो होगा स्पर्म एंट्री मारेगा, जैसे ही इस स्पर्म ने एंट्री मारी इनटू द ओवम जिसको हम बोल रहे हैं या सेकेंडरी साइड के अंदर में, जैसे ही एंट्री मारी होता क्या बेटा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो होगा सेकेंडरी ओसाइट का वो कंप्लीट हो जाएगा। ये है मान लीजिए सेकेंडरी ओसाइट जिसका डेवलपमेंट अरेस्टेड है एट मेटाफेज टू, या बिल्कुल मेटाफेज टू पे ही अभी अरेस्टेड है। जो सेकेंडरी ओसाइट है उसका अभी पूरी तरह से मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है, तो अगर हम देखेंगे जब जैसे ही स्पर्म यहां एंट्री मारेगा, यानी मान लीजिए यहां पे स्पर्म आ गया, ठीक है, स्पर्म जैसे ही आएगा होगा क्या, ये सेकेंडरी ओसाइट का जो होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, कौन सा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ये कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा जी जब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो दो सेल्स बनेंगी, लेकिन यहां पे दो सेल्स में एक होगी बड़ी और एक होगी छोटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी जो बड़ी वाली है, यानी अनइक्वल डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, एक कहलाएगा ओवम और दूसरा कहलाएगा सेकेंड पोलर बॉडी, क्या बोलेंगे बेटा जी, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है, एक कहलाया ओवम। यानी कि जब स्पर्म एंट्री मारेगा, जब स्पर्म एंट्री मारेगा तब जाके सेकेंडरी ओसाइट का कौन सा सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और अनइक्वल डिवीजन होगा, इसका ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, जो बाद में ये जो सेकेंड पोलर बॉडी बनी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। लेकिन सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है ये क्वेश्चन याद रखना है। तो सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी When sperm enter into ovum, ये याद रखिएगा second polar body, ये तो आगे जाके degenerate हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
डिजनरेट यानी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगी या ओवम कब बनेगा, प्योर ओवम जिसको हम ओवम कह सकते हैं, जब स्पर्म एंट्री मारेगा इसमें बेटा आपके इस लेयर में जो सेकेंडरी ओसाइट के प्रेजेंस में, तब ये सेकेंडरी ओसाइट का सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। तो याद रखिएगा, इट इज फॉर्म्ड व्हेन स्पर्म एंटर इनटू ओवम। ये भी कब बनेगा, जब स्पर्म एंट्री मारेगा तभी ये बनेगा। क्लियर है जी? ये सारी चीजें जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, वो सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की है। आप एक एक चीज को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे जो फर्टिलाइजेशन का दिया। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। उससे पहले कुछ मैं चीजें बता देना चाहता हूँ कि कभी कभार किसी किसी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि जो ह्यूमन एग होता है वो कैसा होता है। तो हमें देखो बहुत सारे एग के बारे में जानकारी नहीं लेनी है, ठीक है, थोड़ा बहुत एग होगा उसके बारे में जानने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मुझे हर एग का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। हम अगर ह्यूमन एग पढ़ रहे हैं यानी ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन एग के बारे में पढ़ लें, वही ज्यादा है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, अलेसिथल होगा, माइक्रोलेसिथल होगा, मिजोलेसिथल होगा, पॉलीलेसिथल होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर अगर ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक यानी योक कम्प्लीटली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आइसोलेसिथल होगा, एक जगह एक पार्ट में हो गया, टीलोलेसिथल होगा, आपका सेंट्रोलेसिथल अगर सेंटर में होगा, बहुत सारे हैं। अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो जिसमें हार्ड सेल होगी उसको क्लिडोइड बोलेंगे, जिसमें हार्ड सेल नहीं बोलती उसको नॉन क्लिडोइड। तो हमको इतनी चीजें नहीं पढ़नी है, हम केवल ह्यूमन एग के बारे में जान लें, वही बहुत ज्यादा है। सुनिएगा, जो ह्यूमन एग होगा या किसकी बात कर रहे हैं, ओवम होगा, पहले तो ये जान लीजिएगा ओवम में मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज साइटोप्लाज्म होगा। क्यों? क्योंकि बेटा स्पर्म में क्या होता है, लिटिल साइटोप्लाज्म होता है। अब यही ओवम को बाकी आगे ख्याल रखना है, बच्चा को न्यूट्रिशन कौन देगा, यही देगा, सारा ख्याल इसी को रखना है, इसीलिए साइटोप्लाज्म में ज्यादा होता है। आइए आते हैं ह्यूमन एग में, ठीक है। तो ह्यूमन एग जो होता है वो किस किस प्रकार का होगा, अलेसिथल, अलेसिथल, अलेसिथल का मतलब क्या हो गया बेटा, जो एग होता है इसमें योग बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में होगा। जैसे ये मान लीजिए एग है, एग के अंदर में ये जो योग है, मान लीजिए ये योग एकदम निग्लिजिबल अमाउंट में, तो ये योग जो होगा वो निग्लिजिबल अमाउंट में होगा। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक फाउंड इन एनी एग। तो यहाँ पे योक काफी निग्लिजिबल अमाउंट में होता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं अलेसिथल। ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे, अलेसिथल। इन दिस टाइप ऑफ एग योक इज निग्लिजिबल, एकदम ना के बराबर होगा। तो यहाँ पे योग कैसा होगा बेटा, निग्लिजिबल होगा। तो ह्यूमन एग पहले क्या कहलाएगा, अलेसिथल ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट इन इट। तो ये किस बेसिस पे लिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, ठीक है जी, के बेसिकली इसके अमाउंट, योग का अमाउंट कितना है, तो काफी कम होता है, इसीलिए इसको बोल दिया अलेसिथल। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, यानी कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, तो बेटा जी यहां पे जो से ह्यूमन एग होता है, ये मान लीजिए ह्यूमन एग,
योग भले ही एकदम निग्लिजिबल है लेकिन वो चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इक्वली का मतलब होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसे एक को हम बोलते हैं बेटा जी आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल एग। सो इन ह्यूमन एग योग इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा नहीं है कि ये मान लीजिए आपका एक है केवल योग इस साइड में है ठीक है इधर में है ही नहीं। अगर योग है थोड़ा भी है तो क्या हुआ चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे नहीं है तो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे एक को बोलते हैं बेटा जी क्या बोलेंगे आइसोलेसिथल और इसी को बोलते हैं होमोलेसिथल एक। क्या बोलेंगे होमोलेसिथल एक। तो तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं पहला हमने ये कर लिया अलेसिथल दूसरा हमने बोल दिया आइसोलेसिथल और ह्यूमन एग जो है वो बेटा जी यहाँ पे सेल जो होती है हार्ड सेल नहीं होती है। तो तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल यानी जो आउटर कवरिंग होती है उसको सेल बोलते हैं। तो बेटा जी ये जो यहाँ पे काफी सॉफ्ट कवरिंग होती है कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती है तो जिनमें हार्ड कवरिंग होती है उनको क्लीडोइक एग बोलते हैं जिनमें सॉफ्ट कवरिंग होगी उसको बोलते हैं नॉन क्लीडोइक एग। तो यहाँ पे जो ह्यूमन एग है वो कैसा है नॉन क्लीडोइक एग। नॉन क्लीडोइक एग का मतलब एग विच आर नॉट सराउंडेड बाई हार्ड सेल यानी अगर ये एग है मान लीजिए यहां पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है आपका योग हो गया चारों तरफ ये क्या हो गया जो बचा हुआ दैट इज साइटोप्लाज्म। यहां जो बाहर वाली जो लेयर है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं तो ये सेल क्या होगी सेल जो होगी वो सॉफ्ट होगी ना कि हार्ड होगी। तो काफी सॉफ्ट होती है तो नॉन क्लीडोइक एग बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में इस तरह से पूछ ले कि ह्यूमन एग बेसिकली क्या है तो तीन चीजें आप याद रखिएगा ह्यूमन एग कैसा है तो पहला होगा ऑलेसिथल यानी योग काफी कम है। ह्यूमन एग इज ऑल्सो नोन एज आइसोलेसिथल आइसोलेसिथल या इसी को बोलते हैं होमोलेसिथल। तो इन सबों को तो आपने कर ही लिया होगा तो इसको जरा डिलीट कर देता हूं इस साइड में ठीक है। तो आपको केवल यही तीनों चीजें याद रखनी है एक तो होगा अलेसिथल दूसरा हम उसको ह्यूमन एग को क्या बोल सकते हैं आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल या ह्यूमन एग को लास्ट में हम बोलेंगे नॉन क्लीडोइक एग। तो याद रखिएगा ये है बेटा जी नॉन क्लीडोइक एग सी एल ई आई ओ होगा। ठीक है जी ये तीनों चीजें आप याद रख सकते हैं क्लियर है जी अबाउट द ह्यूमन एग। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवम बनता है एक बार ये भी पूछा हुआ है ओवम को ओटिड भी बोलते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद में देखिए ये तो सेकेंडरी ओसाइट था क्या था सेकेंडरी ओसाइट जब इसमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट हुआ तो एक छोटा सेल बना और एक बड़ा सेल बना जिसको हमने बोला ओवम इसको हमने बोला सेकेंड पोलर बॉडी। क्लियर है जी। तो अब ये देखिए जो सेकेंड पोलर बॉडी है हमने अभी ह्यूमन एग बनाया था सॉरी
इस ओवम जो ये बनता है इसको कभी कभार ऊटिड भी बोला जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ओवम है, बाकी मैं नहीं बना रहा हूं, ये विटिलिन मेम्ब्रेन हो गई, विटिलिन मेम्ब्रेन। अभी जो अंदर आया था उसको हमने क्या बोला, जो स्पर्म के थ्रू आया था उसको हमने क्या बोला था, मेल प्रोन्यूक्लियस। क्लियर है जी। अब जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, दो चीजें बन रही, एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक बड़ा ओवम, तो एक ये बन गया आपका ओवम जो कि माइटोटिक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होगा, और एक छोटा सा बना है सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंड मतलब सेकेंडरी समझ लीजिएगा। तो बेटा जी ये डीजनरेट हो जाएगा। अब ये जो ओवम है जो मैच्योर हो चुका है, एकदम एग्जैक्ट फॉर्म बन चुका है, इसके अंदर में जो न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होगा उसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल प्रो न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? अब ये दोनों पास में आएंगे, यहां पे फर्टिलाइजेशन और ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस का क्या होगा बेटा जी, फ्यूजन होगा, तो यही क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। यही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ध्यान से एक एक पॉइंट को मैंने बताने की कोशिश की है, जरा इसको लिख लीजिए, फिर एनसीईआरटी का एक एक लाइन में बताने की कोशिश करता हूं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। आइए बेटा जी, जो चीजें हमने पढ़ी है उसको हम एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। दे रखा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। क्लियर है जी। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ, देखिए स्पर्म आ रहा है सबसे पहले किसके कॉन्टेक्ट में आया, जोन, वैसे तो बाहर में आएगा, ये सीधे सीधे जोना पेलुसिडा के साथ में कह रहा है, जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। तो ये जो कह रहा है ब्लॉक, क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए, एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। तो ये किस ब्लॉक की बात कर रहा है बेटा जी, किस ब्लॉक की बात कर रहा है, तो बेटा ये ब्लॉक की बात कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक, और दूसरा कौन सा ब्लॉक, स्लो ब्लॉक। ध्यान रखिएगा, दोनों ब्लॉक मैंने बता दिया है आप लोगों को। क्लियर है जी। फिर इसके बाद दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज वन ओवम। बिल्कुल बेटा, ये तो बहुत ही जरूरी है कि एक ही स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा। द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम के जो भी सिक्रेशंस हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि हाइलुरोनिडेज, दूसरा हमने पढ़ा एक्रोलाइसिन या जोनालाइसिन और एक्रोजिन, और एक पढ़ी थी कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये आपके एक्रोसोम से निकलेंगी, हेल्प इन द स्पर्म टू इंटर इन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द मेम्ब्रेन, यानी कि किस मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, विटिलिन मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीटिशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब देखिए, जब स्पर्म अंदर जा रहा है तब सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रहा है ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, यानी पहला भी अनइक्वल था तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी और सेकेंडरी ओसाइट बना था। ठीक है जी। अब ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो रहा है, यहाँ सेकेंड पोलर बॉडी बन रही है और ओवम बन रहा है, एक बड़ा है तो बड़ा ओवम कहलाएगा, छोटा जो है जो सेकेंड पोलर बॉडी कहलाएगा। दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम। देखिए हैप्लॉइड ओवम, यानी कि मैंने हमेशा ही बता दिया कि अगर बात करेंगे गैमेट, गैमेट हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड ओवम, या उसी को बोलते हैं OTD। यही बात मैंने आपको बताई, हैप्लॉइड ओवम का मतलब क्या हुआ बेटा जी, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, और इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी।
सुन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, यानी कि स्पर्म का भी न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड ही है, दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। हाउ मेनी क्रोमोजोम्स विल बी देयर इन द जायगोट, तो जायगोट जो बनता है बेटा जी, ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ दिखा रखा है एन, एन जो आया 23 क्रोमोजोम, ये आपका स्पर्म से आया ये भी 23 क्रोमोजोम, तो जायगोट बना 2n, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोजोम होते हैं इसके अंदर में, डिप्लॉयड जायगोट के अंदर में। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम इम्प्लांटेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्लियर है जी। आज आपका जितना भी हो सका वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, एनसीईआरटी के अलावा भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं सब चीज़ समझाया है, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा एक बड़ा लेक्चर हो गया, इसके लिए वरी ना रहें, तो बेटा आप ही के लिए है, एक एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है, कल हम इम्प्लांटेशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी।